की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे हॉनर 9 लाइट की FRP को किस तरह से आप लोग बाईपास कर सकते हैं बिना PC के। तो हम आपको पहले दिखा देते हैं, इसमें FRP लॉक लगा हुआ है और ये मॉडल है हॉनर का 9 लाइट है। और इसकी FRP को बाईपास करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप इसकी FRP को आसानी से बाईपास कर सकते हैं बिना PC के। और उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास हमेशा पहुंचता रहे और आप लोग ऐसी वीडियो हमेशा देखते रहें जो कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग संबंधित वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो यहां पे हम पहले एक वाईफाई अपना कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें Gmail ID, इसमें जो पहले Gmail ID पड़ी हुई थी वो इसमें मांगेगा। और हमारे पास Gmail ID पुरानी वाली है नहीं, तो इसके लिए हमें इसको या तो अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक करने के लिए इसमें डोंगल चाहिए और डोंगल या PC की ज़रूरत नहीं है। जो मैं तरीका आपको बताऊंगा इसमें बाईपास करने का, आसानी से आप इसको बाईपास कर लेंगे। आपको कंप्यूटर PC कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक वाईफाई कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके अलावा कुछ भी आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से बाईपास कर लेंगे इसको बिल्कुल आसान तरीके से। कोई एप्लीकेशन वगैरह आपको डाउनलोड नहीं करना है, बस आपको कुछ सेटिंग्स करनी है और उसी से आप इसको बाईपास कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसके नेक्स्ट करेंगे तो ये इसके आगे जाएगा नहीं जब तक कि इसमें पुरानी वाली Gmail ID हम इसमें नहीं डालेंगे। और थोड़ा सा टच में प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा इसमें वर्किंग स्लो हो रही है, थोड़ा सा स्लो, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसकी FRP हमें बाईपास करने में। लेकिन मैं आप लोगों को जो बताऊँगा तरीका वो बिल्कुल 100% काम करेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और आसानी से आप बाईपास कर लेंगे हॉनर 9 लाइट की FRP को। और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे हमने कर लिया एक्सेप्ट, और ये थोड़ा सा इश्यू है टच का, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, लग जाता है हमें। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी ID पे आ गए हैं और यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं Gmail पे तो ये जी ऑप्शन जो है क्रोम का बना हुआ सिंबल, उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये फिर से हमें वहीं Gmail ID पर ला के रोक देता है। तो इसके लिए हम बैक कर लेते हैं, हालांकि इसमें इसको मैंने पहले किया नहीं है, मैं भी अभी तुरंत ही कर रहा हूं और देखता हूं कि ये किस तरह से होता है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाए क्योंकि इसको आपके सामने ही कर रहा हूं, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ टाइम फेल भी हो जाए, ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में ये सक्सेस हो जाए। और यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को बताने की, और मैं भी यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि ये हो जाए किस तरह से। तो आप लोग वीडियो को देखिए और जब आप वीडियो देखेंगे कंप्लीट तो आसानी से आप कर लेंगे। 100% मैं आपको इसमें बाईपास करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो तरीका मैं बताऊंगा आसानी से आप इस तरह से आसानी से इसको बाईपास कर लेंगे और कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। यहाँ पे हमने अकाउंट चेंज पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर हम नीचे वाले पर क्लिक कर लेते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएगा और इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल जाता है हमें। लेकिन जब हम शेयर के ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये शेयर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे वेब सर्च का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ भी ओपन नहीं होता है। तो जब तक यहाँ से कुछ ओपन नहीं हुआ तब तक हम इसको यहाँ से बाईपास नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर हम किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसको ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद आप लोग ये देख लीजिए, इस पे हम क्लिक करके देखते हैं डाटा ट्रांसफ़र वाले पे टर्म्स एंड सर्विस पे, इस पे होता है कि नहीं। तो शायद यहाँ से भी नहीं होगा। तो हवाई प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से भी ये कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं कि इसमें कि क्या कौन सा तरीका, इसमें कौन सा जुगाड़ लगता है। तो यहाँ पे हम बैक आ गए हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं अदर, यहाँ पे iOS पे किसी न किसी ऑप्शन पे हम कुछ ना कुछ जुगाड़ यहाँ से ढूंढ लेंगे जिससे कि हम इसको बाईपास कर लेंगे। बस आप कंप्लीट वीडियो अगर देखेंगे तो आप कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे हम रख के देख लेते हैं यहाँ से काम करता है कि नहीं, फिलहाल यहाँ से काम नहीं करें। फॉरगेट पासवर्ड पर यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और जब हम फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ये खुलेगा। इसके बाद हम यहाँ पर हमें क्लिक करना है अकाउंट चेंज रिक्वेस्ट पे, और इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कि इस पर कुछ आता है कि नहीं। इस पर क्लिक करने के बाद इंटरव्यू हवाई ID आ रहा है, UI ID, और यहाँ पे हम नीचे सबसे नीचे वाले पे फिर से क्लिक करके देखते हैं ID एंड प्राइवेसी पे। यहाँ पे क्लिक करके ये इस तरह से आएगा, फिर से हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके देखते हैं यहाँ पर और शेयर करते हैं तो देखते हैं कि इस तरह से ये हमारे सामने ऑप्शन आ गया। कुछ देर आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, और इसके बाद हम Gmail पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। और नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोर सेटिंग पर हमें क्लिक करना है
और यहाँ पे हम मोर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे थ्री डॉट पे हम क्लिक करके मैनेज अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ मैनेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हम इस पे अकाउंट पे क्लिक कर देंगे हम लेफ़्ट साइड में, और इस पे क्लिक करते ही हमारी सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और सेटिंग ओपन होने के बाद यहाँ पे हम सिस्टम में चले जाएंगे। सिस्टम में जाने के बाद हम यहाँ पे रीसेट में जाएंगे और यहाँ से हम रीसेट ऑल सेटिंग करते हैं। ये यहाँ पे टच नहीं वर्क कर रहा है, जहाँ पे ये रीसेट ऑल सेटिंग लिख का ऑप्शन है, यहाँ पे ये टच काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे चलिए देखते हैं डायरेक्टली ये होता है कि नहीं। यहाँ पे डिस्प्ले पे हम आ गए हैं और डिस्प्ले पे आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन में जाना होता है जो कि डिस्प्ले सेटिंग में, और वहाँ से हम डायरेक्ट ये बाईपास हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्लिक करते हैं किस पे है वो ऑप्शन, यहाँ पे होम स्क्रीन पे, हाँ होम स्क्रीन स्टाइल पे क्लिक करते हैं और नीचे वाले पे हमें इस पे बस करो क्लिक कर देना है। और ये हुआ नहीं, AL10 ये हुआ नहीं, मतलब ये जब तक हम उसकी सेटिंग को रीसेट नहीं करेंगे सेटिंग से तब तक ये नहीं होगा, तो हमें उसकी सेटिंग को रीसेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम फिर से जाते हैं और फिर से वहीं जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं, ट्राई करते हैं कि ये इसकी सेटिंग को किसी तरह से रीसेट करने, क्योंकि जब तक हम सेटिंग इसकी रीसेट नहीं कर देंगे तब तक हम इसको बाईपास नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे हम प्रयास करते हैं कि ये हो जाए और थोड़ा सा मोबाइल को घुमा के देखेंगे कि यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है कि नहीं। सेटिंग वाला अगर डिस्प्ले अगर घूम जाती है तब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस पर आप लोग फिर से देख लीजिए, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन पे हमें क्लिक करना है और नोटिफिकेशन क्लिक करने के बाद मोर सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम थ्री डॉट पे हमें क्लिक करना है, इस पर नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। थ्री डॉट पर क्लिक करके हमें मैनेज अकाउंट पर क्लिक कर लेना है और मैनेज अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमारी यहाँ पर फिर से सेटिंग ओपन हो गई और यहाँ पर हम फिर से जाएँगे अपने सिस्टम में, और सिस्टम में जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हम सेटिंग को रीसेट कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अपनी सेटिंग, और सेटिंग ओपन करने के बाद हम देखेंगे, ये थोड़ा ऊपर ही ये टच का प्रॉब्लम है, टच यहाँ पे ऊपर नहीं काम कर रहा है, इसका इश्यू है और इसलिए ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन तो ओपन हो जाता है लेकिन ये रीसेट ऑल सेटिंग का यहाँ पर नहीं होता है। अगर ये नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, हमको मतलब ये करना ही पड़ेगा, रीसेट सेटिंग का जो ऑप्शन आता है रीसेट ऑल सेटिंग, इसको हमें करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा इसको प्रयास करते हैं किसी तरह से ये सेटिंग रीसेट हो जाए, और जब ये रीसेट हो जाएगी तो उसके बाद हम आसानी से इसको बाईपास कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए जिससे कि हम इसको ऊपर हमारा टच काम करे। हम थोड़ा सा इधर उधर टच करके देखते हैं कि यहाँ ये कहीं पर काम करेगा कि नहीं, और कहीं पे अगर हमारा टच काम करता है तो हम इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और अगर वहाँ पे काम नहीं करेगा, सेटिंग रीसेट नहीं होगी, तब ये इसको हम इस तरह से बाईपास नहीं कर पाएंगे। और ये थोड़ा सा इस सेट में प्रॉब्लम टच की वजह से आ रही है, और आप लोग आसानी से कर लेंगे क्योंकि आपके मोबाइल का टच ओके होगा तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम मोबाइल को इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ पे हम फिर से चले जाते हैं रीसेट पे, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये हमारा हो गया रीसेट, और रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हमने एक पासवर्ड डाला था इसमें और उसको हम हटा देंगे, सेटिंग में पासवर्ड का ऑप्शन आता है तो वहीं से हमने पासवर्ड डाल दिया था। अगर पासवर्ड आप नहीं डालेंगे तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड आपका नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर हम पासवर्ड डाल दिया और कुछ सेकेंड हम वेट करेंगे, ये रीसेट हमारी सेटिंग पूरी तरह से रीसेट हो जाएगी। और जब तक ये रीसेट नहीं हो जाती तब तक हमें कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है, ये कुछ सेकंड में, ये 25-30 सेकंड में या ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट में ये रीसेट हो जाएगी सेटिंग यहाँ से। और जब ये सेटिंग यहाँ पे रीसेट हो जाएगी तो उसके बाद हमें बस डिस्प्ले वाले पे हमें जाना है और वहाँ से एक क्लिक कर देंगे हम और आसानी से इसकी FRP बाईपास हो जाएगी। तो ये हो चुकी है, इसके बाद हम बैक आ जाते हैं, और बैक आने के बाद यहाँ पर हम और बैक आएँगे और यहाँ पे और बैग हमें आना है, और इसके बाद हमें यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है, और यहाँ पे हम डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं। और ये डिस्प्ले में क्लिक करने के बाद हमें डिस्प्ले का होम स्क्रीन स्टाइल पे हमें जाना है, और यहाँ पे हमें इस पे नहीं जाना है, होम स्क्रीन स्टाइल पे हमें क्लिक करना है, और वहाँ से जाके हम जो आपको पहले दिखाए थे इससे पहले वही हम आपको दिखाते हैं कि क्या करना है, वहीं से हमें क्लिक में इसको बाईपास कर देंगे। तो यहाँ पे हम होम स्क्रीन स्टाइल पे
यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ नीचे पे क्लिक कर देना है, नीचे वाले पे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लोडिंग होगा, कुछ सेकंड आपको वेट करना है। ये इस तरह से हमारे सामने मेन मेनू ओपन हो जाएगा, FRP आपकी बाईपास हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारी FRP बाईपास हो चुकी है। इसके बाद आपको सेटिंग में जाके फुल मोबाइल को फुल रीसेट कर देना है, बस आपकी और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आपका मोबाइल का FRP बाईपास हो चुकी है, 100% ये काम करने वाला तरीका है।